का 417 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को जितनी कामयाबी हासिल सब हो गई, इस बार के चुनाव में भी उतनी ही संख्या में हमको कामयाबी हासिल होगी। लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। आपने देखा होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था, जबकि उस समय बहुत ही सशक्त गठबंधन माना जाता था, तो उस समय भी ऐसे ही दावे किए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल। चौथा चरण का चुनाव है सर, भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में कितना सीटें हासिल कर रही है? मैं बता रहा हूँ, कमोवेश एक सीट दो सीट आगे पीछे हो सकती है, उतनी ही सीटों पर बीए प्राप्त होगी जितनी सीटों पर 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बीए प्राप्त। 300 प्लस। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक जनता है। सुशासन और विकास प्रमुख रूप से दो मुद्दे उसके सामने हैं। महिलाओं से यही अपील करूंगी कि बढ़ चढ़ करके वोट डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और बेटियों से कहूंगी जो 18 साल से ऊपर हैं वो अपनी दादी नानी माँ को घर से लेकर के निकले। आजकल तो लड़कियाँ स्कूटी चलाती हैं, खुद ही इंडिपेंडेंट हैं, वो ये देखें घर में कि उनकी माँ भी वोट डालें और जिसको पसंद करती हैं स्वतंत्रता से अपना निर्णय लें और वोट डालें। लोकतंत्र का रखना ख्याल, करना अपने हक का इस्तेमाल, जिम्मेदारी पे ना उठे सवाल हो, जिम्मेदारी पे ना उठे सवाल हो, थोड़ी मेहनत से काहे घबरात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट डारे काहे नहीं जात हो। और जिन्हें लाइन लगने में शर्म आती है उनके लिए, लाइन लगने में काहे लजात हो, वोट डारे काहे नहीं जात हो। तो अभी भी वोट नहीं डाला है तो बहुत समय है, घर से निकलिए और इस उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। लखनऊ की तो रिकॉर्ड वोटिंग होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो चौथा चरण है ये एक रिकॉर्ड कायम करे कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके 5 साल में आने वाले इस उत्सव में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया।